स्वागत है रास्ता रख के AIB पे। जैसे आपको पता है हम लोग रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे AIB 18 के एग्जाम की डेट आ चुकी है, सारी डेट डिक्लेयर हो चुकी है। अब ये एग्जाम देना जरूरी क्यों है, आप ये एग्जाम क्यों दे? क्योंकि जो आपको एनरोलमेंट नंबर मिलते हैं जिस भी स्टेट से आप प्रैक्टिस करते हैं वहां से, वो सिर्फ 2 साल तक वैलिड होते हैं। इन 2 साल के अंदर आपको AIB एग्जाम देकर क्लियर करना होता है। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि कब एग्जाम की डेट है, कब लास्ट फॉर्म की डेट है, कब से हम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, वो सारी डिटेल्स हम देखते हैं स्क्रीन पे जाके। देखिए, ऑल इंडिया बार काउंसिल की ऑफिशियल वेबसाइट पे आके हमने नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है। ये नोटिफिकेशन 16 अगस्त को ऑल इंडिया बार काउंसिल की जो वेबसाइट ऑफिशियल उस पर आया है। इसमें बताया है कि आपका जो 18 एग्ज़ाम होने वाला है AIB का, वो एग्ज़ाम 29 अक्टूबर को कंडक्ट होगा। देखिए, सारी डेट का शेड्यूल इस पर दिया हुआ है। डेट शेड्यूल इसके अंदर दिया हुआ है। सबसे पहले आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है AIB एग्ज़ाम का, जो फॉर्म स्टार्ट होने वाला है, वो 16 अगस्त से स्टार्ट हुआ है। अब इसकी जो लास्ट डेट है वो है आपकी 30 सितंबर। 30 सितंबर से फिर आप यदि फॉर्म फिलअप नहीं करते हैं, उसके बाद फिलअप करते हैं, तो आपकी लेट फीस पेमेंट होगी। जो आपकी लेट फीस पेमेंट है वो आपकी 10 अक्टूबर तक रहेगी। 10 अक्टूबर के बाद आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। आपका एडमिट कार्ड है वो 20 अक्टूबर तक आपको दे दिया जाएगा और 29 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। सभी लोगों को एग्ज़ाम के अंदर जो नंबर लेके आने हैं वो 40% है, पर जो जनरल और OBC है उनको 45% इसमें लेके आने हैं। मतलब 100 क्वेश्चन में से 45 क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए। अब एग्ज़ाम फीस कितनी है, कैसे फॉर्म फिलअप करना है, वो हमारे आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से लेटेस्ट अपडेट के लिए।